नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। सूर्य पुत्र शनि देव को न्याय के देवता, कर्मफल दाता के नाम से भी पूजा जाता है। आमतौर पर शनि देव का नाम सुनते ही इंसान के दिल में एक अनजाना सा डर समा जाता है, परंतु देवताओं में श्री हनुमान एक ऐसे देव हैं जिनके सामने शनि देव की नज़र टेढ़ी नहीं होती। आइए आज आपको भारत में एक ऐसे मंदिर की जानकारी देते हैं जहां पर शनि देव श्री हनुमान जी के चरणों में स्त्री के रूप में विराजमान हैं। कहां स्थित है यह मंदिर? गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में संकट मोचन श्री हनुमान जी का एक अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की पहचान कष्ट भंजन हनुमान जी के नाम से है। इस मंदिर में शनि देव श्री हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में विराजमान हैं। महिलाओं के प्रति श्री हनुमान जी के आदर व सम्मान की भावना के बारे में सभी जानते हैं। आखिर क्यों शनि देव को स्त्री का रूप धारण करना पड़ा? हमारे पौराणिक शास्त्रों में श्री हनुमान जी और शनि देव से जुड़े कई प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। बचपन में शनि देव और हनुमान जी मित्र थे। कई बार हनुमान जी ने शनि देव को सही रास्ते पर लाने का काम भी किया। एक बार शनि देव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। शनि के कोप से आम जनता भयंकर कष्टों का सामना कर रही थी। तब लोगों ने श्री हनुमान जी से शनि देव के कोप को शांत करने की प्रार्थना की। यह माना जाता है कि बजरंगबली अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी शनि देव पर क्रोधित हो गए। इस बाबत जब शनि देव को पता चला कि हनुमान जी उन पर क्रोधित हैं और वह युद्ध करने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वह बहुत घबरा गए। तब शनि देव ने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री का रूप धारण कर लिया। शनि देव जानते थे कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं और वह स्त्रियों का हमेशा सम्मान करते हैं। हनुमान जी के सामने आने पर शनि देव ने स्त्री रूप धर लिया। हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए हनुमान जी के भक्तों पर से अपने प्रकोप को हटा लिया। यही कारण है कि आज भी शनिवार के दिन भक्त शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। किले के समान है सारंगपुर का यह मंदिर। सारंगपुर में कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर का भवन बेहद विशाल है। पहली नज़र में यह मंदिर एक किले के समान ही दिखाई देता है। मंदिर की सुंदरता और भव्यता दर्शनीय है। इस मंदिर में कष्ट भंजन हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। यहाँ पर हनुमान जी को महाराजा धीराज के नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा के आसपास वानर सेना भी दिखाई देती है, जबकि चरणों में शनि देव एक स्त्री रूप में बैठे हैं। इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने पर श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह भी मान्यता है कि किसी इंसान की कुंडली में शनि दोष हो तो वह भी कष्ट भंजन के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाता है। सो दोस्तों, यह थी ऐसे प्राचीन मंदिर से जुड़ी जानकारी जहां पर शनि देव श्री हनुमान जी के चरणों में स्त्री के रूप में विराजमान हैं। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।